brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. माफिया मुख्तार अंसारी को आखिर सुपुर्दे खाक कर दिया गया। 30 मार्च की देर रात उसका शव बांदा से गाजीपुर पहुंचा था। मुख्तार अंसारी को मोहम्मदाबाद के कालीबाग स्थित उसके पुश्तैनी कब्रिस्तान में दफनाया गया है। मुख्तार के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिसके चलते पूरे गाजीपुर में धारा 144 लगा दी गई है। मुख्तार की मौत के बाद से ही पूरे ज़िले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मोहम्मदाबाद में मुख्तार के घर के बाहर और कब्रिस्तान तक पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। डीएम और एसपी खुद इलाके में कैंप कर रहे हैं। वहीं माफिया के पोस्टमार्टम की प्राइमरी रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है, लेकिन परिवार और विपक्षी दलों के आरोपों के बाद योगी सरकार ने मुख्तार की मौत की न्यायिक जाँच का आदेश दिया है। इसके लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है। दरअसल मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लगातार इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई, उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो गए। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने मौत को लेकर जांच की मांग की है और उनकी आशंकाओं पर सवाल पूछा गया है, तो उन्होंने कहा कि एक दो दिन के बाद हम इसके बारे में न्यायपालिका में मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि हम आशंका जता रहे हैं कि उस पर जाँच हो। वहीं उमर ने कहा कि हमें स्लो पॉइजन का शक नहीं, यकीन है। उन्होंने कहा कि ये प्राकृतिक मौत नहीं, प्लान मर्डर है। उन्होंने कहा कि जांच पर डीएम को फैसला लेना है, देखते हैं वो क्या फैसला लेते हैं। हमें उम्मीद है कि हम जो संदेह जता रहे हैं उसकी जांच में कोर्ट मदद करेगा। सर, तीसरी जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेंगे, और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है। दरअसल मुख्तार अंसारी की मौत 28 मार्च को बांदा मेडिकल कॉलेज में दिल का दौरा पड़ने से हुई। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में लाया गया था। मुख्तार अंसारी की तबीयत 26 मार्च को अचानक खराब हो गई थी। उसे उल्टी हो रही थी, स्टूल सिस्टम और पेट दर्द की भी समस्या थी। उसकी नसों में बहुत दर्द हो रहा था, जिसके बाद उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद डॉक्टर ने कहा कि मुख्तार अंसारी को ये परेशानी ज्यादा खाने की वजह से हुई है। उसके कब्ज का इलाज किया गया था और फिर 14 घंटे के बाद उसी शाम वापस जेल भेज दिया गया। मेडिकल चेकअप में मुख्तार अंसारी के पेट का दोबारा एक्सरे किया गया था। इसके अलावा ब्लड सैंपल लेकर शुगर, लिवर फंक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट की भी जांच कराई गई थी। रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद से ही उसे डिस्चार्ज कर वापस बांदा जेल भेज दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों की टीम ने कहा था कि मुख्तार अंसारी के पेट में दर्द धीमा जहर की वजह से नहीं, बल्कि ओवर ईटिंग की वजह से हुआ है। मुख्तार अंसारी रोज़ा रख रहे थे और इफ्तार के वक्त वे एक साथ ज़्यादा खाना खा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।